उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। मगर इटावा में रोडवेज बस स्टैंड परिसर से अवैध कब्जा हटाने से नाराज दबंगों ने प्रवर्तन दस्ते के जाने के बाद रोडवेज के क्षेत्रीय कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की और क्षेत्रीय प्रबंधक को जान से मारने की धमकी दे डाली। हंगामे की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रोडवेज बस स्टैंड परिसर से अवैध अतिक्रमण हटाने पर गुस्साए दबंगों ने रीजनल ऑफिस में हंगामा करके न केवल बवाल काटा और क्षेत्रीय कार्यालय में घुसकर कार्यालय अधीक्षक को जान से मारने की धमकी देने के साथ बुकिंग क्लर्क से मारपीट की। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने धारा 147, 353, 323, 332, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले की जांच नया शहर चौक इंचार्ज संजय कुमार दुबे को दी गई है। श्री अग्रवाल ने बताया कि जिला प्रशासन की टीम जब रोडवेज परिसर से अतिक्रमण हटा करके वापस चली गई, उसके बाद कई दबंग लाठी डंडा लेकर उनके कार्यालय में न केवल घुस गए बल्कि उन्होंने कई कर्मियों के साथ में मारपीट की और उन्होंने धमकाया भी। क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन रोडवेज बस स्टैंड के आसपास से अतिक्रमण हटाया जा रहा था। जिन लोगों का अतिक्रमण हटा तो कुछ लोग उनके कार्यालय में लाठी डंडे लेकर चले आए और एक बाबू को गेट पर लाठी डंडों से पीटा और उसके बाद उनके कार्यालय में घुस आए और अन्य दूसरे बाबू के साथ हाथापाई भी की, जिसके लिए डीएम एसएसपी को अवगत करवा दिया गया है और कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बाधा खड़ी करने के इरादे से दबंगई का प्रदर्शन किया गया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करा करके जांच शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।